दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोदी केयर के लॉयल्टी प्लान के बारे में समझने वाले हैं कि मोदी केयर में जो लॉयल्टी होती है, आखिर हमको उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितने रुपए का प्रोडक्ट लेने पे हमारी लॉयल्टी शुरू होती है और जब लॉयल्टी हमारी ख़त्म हो जाती है, मतलब 6 महीने या 12 महीने हमको लॉयल्टी लेते हुए हो जाता है, तो हम जो है कूपन कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो है कूपन कितने का बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मोदी केयर में जो लॉयल्टी होती है, आखिर वो कितने अमाउंट से शुरू होती है लॉयल्टी। दोस्तों, वैसे तो आप मोदी केयर में जो है कितने का भी सामान ले सकते हैं, चाहे आप 100 रुपये का ले, 200 का ले, 1000 का ले, 5000 का ले या 10000 का ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोदी केयर में कितने रुपये का सामान लेते हैं मंथली। लेकिन दोस्तों, यहाँ मोदी केयर ने जो है एक रेशियो बना रखा है कि अगर आप 1800 या 1800 से ऊपर रुपए तक का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप मोदी केयर के एक लॉयल कस्टमर हो जाते हैं, और अगर आप 1800 रुपए या उससे ऊपर का सामान लेते हैं तो यहां से जो है आपको एक लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है। अब लॉयल्टी मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप मोदी केयर से 6 महीने लगातार सामान लेते हैं 1800 या उससे ऊपर का, तो आपको 6 महीने बाद जो है 1 महीने का सामान बिल्कुल फ्री मोदी केयर से मिलता है, उसी की एवरेज का जितने का भी आप सामान लेते हैं। उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू रख के आप 12 महीने तक लगातार सामान लेते हैं, 12वें महीने के बाद 2 महीने का सामान आपको जो है बिल्कुल फ्री मोदी केयर से मिलता है, उसी की एवरेज का। दोस्तों, अगर आप मोदी केयर से 1800 रुपये का मंथली का सामान लेते हो तो आपको जो है 80% वो काउंट होता है और 80% सामान जो है आपको उसका मिलता है उसकी पूरी एवरेज का। लेकिन दोस्तों, अगर आप जो है 2500 या 2500 से ऊपर का सामान लेते हो तो यहाँ से मोदी केयर में आपको जो है 100% मतलब 2500 का ही सामान आपको फ्री मिलता है 6वें महीने में। जैसे दोस्तों, अगर आप 1800 रुपये का सामान लेते हो तो इसका 80% जो है मतलब जो लॉयल्टी में आपका काउंट होगा वो 1440 रुपये काउंट होगा, और अगर आप 2500 या 2500 से ऊपर का सामान लेते हो तो आपका जो लॉयल्टी में काउंट होगा वो 100% काउंट होगा, मतलब वो 2500 रुपये मंथली आपके काउंट होगा। और दोस्तों, अगर आप लॉयल्टी कैलकुलेशन को आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके जो है आप इसका एग्जैक्ट जो है प्रॉपर कैलकुलेशन आप इसका सीख सकते हो। और दोस्तों देखिए, आप जो है कहीं ना कहीं से अपने घर का सामान तो लेके आते ही हैं, लेकिन बाहर से क्या है आपको कोई भी लॉयल्टी का या कोई भी सामान आपको फ्री नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मोदी केयर से सामान लेने का जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके मोदी केयर में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सभी बेनिफिट्स को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा मोदी केयर में सामान लेने का बेनिफिट होता है वो होता है लॉयल्टी का। मोदी केयर में जो है आपको लॉयल्टी का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये बेनिफिट जो है मार्केट में कोई दुकान या कोई मॉल आपको ये बेनिफिट नहीं दे सकता जो बेनिफिट मोदी केयर आपको देता है। तो दोस्तों, मोदी केयर में जो लोग लॉयल्टी करते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको साल में जो है 3 बार का सामान जो है बिल्कुल फ्री आपको मिलता है मोदी केयर की तरफ से, वो भी दोस्तों आपकी पसंद का। इसमें कंपनी का कोई पसंद नहीं होता, इसमें जो सामान आप लेना चाहते हो वही सामान जो है आप मोदी केयर से बिल्कुल फ्री ले सकते हो, साल में 3 बार अगर आप मोदी केयर में लॉयल कस्टमर मोदी केयर के बनते हो तो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोदी केयर में आने वाले नए प्रोडक्टों की जानकारी, नए ऑफरों की जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।